स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिसिन इंडिया पे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। आज हम आपसे बात करने वाले हैं रेंटिडिन टैबलेट के बारे में। रेंटिडिन टैबलेट ये 30 गोली का पत्ता आता है जो 150 mg में होता है, और 20 गोली के पत्ते में आपको 300 mg की टैबलेट मिल जाएगी। ये मार्केट में आपको किसी भी दवाई स्टोर से आसानी से मिल जाता है, और इसके कई सारे अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम हैं और अलग अलग नामों से इसको मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि आइए हम जान लेते हैं कुछ ब्रांड नेमों के बारे में कि इसके कौन कौन से ब्रांड नेम मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे कि आपको फ्रेंड्स ये एसीलाक के रूप में मिल जाएगा, एसीलाक 150 या एसीलाक 300 mg के हिसाब से मिल जाएगा आपको, या आपको रेंटेक के नाम से मिल जाएगा, आपको जेंटेक के नाम से मिल जाएगा। आप अगर लेना चाहे तो आरलाक के नाम से भी इस दवा को किसी भी दवाई स्टोर से ले सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग इसकी MRP रखी जाती है और अलग अलग नाम से इसको मार्केट में उपलब्ध कराया गया है। तो फ्रेंड्स आइए हम जान लेते हैं कि ये दवा कौन से प्रॉब्लम्स में काम आती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में लेनी होती है। वैसे तो इस दवा का प्रयोग आपको बिना डॉक्टर के नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के हिसाब से अगर आप अपनी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे तो वो अपने हिसाब से इस दवा को परचेज करेगा और आपके लिए ये बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब बात पूरा समझ में आ जाएगी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसीलाक टैबलेट के बारे में। एसीलाक 150 और 300 mg में टैबलेट के रूप में मिलता है और लिक्विड या इंजेक्शन के रूप में भी मार्केट में मिल जाएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि एसीलाक टैबलेट किस काम आता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे तो इस दवा का प्रयोग आप पेन किलर के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर के द्वारा पेन किलर्स के साथ भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। वैसे अगर आप अपने मन से लेना चाह रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके हिसाब से आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस दवा का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। एसीलाक टैबलेट का इस्तेमाल आमतौर पर पेन किलर्स के साथ लेने वाली ड्रग होती है। इसका इस्तेमाल आपके हार्ट बर्न या अपच की समस्या या आपको गैस की समस्या हो तो इसका इस्तेमाल उसमें कराया जाता है। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल आपको डॉक्टर के बताए अनुसार लेनी होती है। इस दवा के सेवन से कुछ घंटों में आपको असर देखने को मिल सकता है। इस दवा के इस्तेमाल से आपके हार्ट बर्न की समस्या से राहत मिलती है। इस दवा को अगर आप कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर आपको देखने को मिलता है। साथ यह दवा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नामक दवाओं के समूह से संबंध रखती है। इस दवा का प्रयोग आपके पेट में बन रहे एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ये कंडीशन कब आती है? जब आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है और आपका हार्ट बर्न होने लगता है, आपका पेट फूल जाता है, आपको अपच जैसी समस्या होने लगती है, उस कंडीशन में आपका एसिड रिफ्लेक्स होकर के आपके आहार नाल में आने लगता है, जिसके वजह से आपके हार्ट में बर्न होने लगता है, आपके पेट में गैस ज़्यादा बनने लगती है और आपका पेट में जो एसिड की मात्रा है वो रिफ्लेक्स करके आपके भोजन की नली में आने लगता है, जिसके वजह से आपको गले में दर्द जैसा महसूस होता है। कभी कभी ये कंडीशन ज़्यादा हो जाती है तो आपको उल्टियाँ भी होने लगती है, जिसके वजह से आपके आहार नाल में अल्सर या छाले टाइप देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को गैस्ट्रो आइसोफेगर रिफ्लेक्स डिजीज़ के नाम से भी जाने गैस्ट्रो आइसोफेगर रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में GERD के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कंडीशन कब होता है? आपके गलत खान पान की वजह से आप ज़्यादातर तेल मसाले या तली भुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से आपको ज़्यादातर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन में आपको एक बार हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर ये कंडीशन हफ्ते में 2 से 4 दिन हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, और आप अपने डॉक्टर के माध्यम से इस दवा का प्रयोग करेंगे तो डॉक्टर आपको इस दवा के का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है और डॉक्टर आपको परचेज करेगा। आइए हम जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से आपको सर में दर्द भी हो सकता है। इस दवा के प्रयोग से आपको लूज मोशन या दस्त जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है।
अगर इससे ज़्यादा कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और अपने डॉक्टर के माध्यम से इस दवा का प्रयोग करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस दवा के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।